धन देखते आँख पसार, सासु नदी की महल में तो ठारे से खाते। हे भगवान, मेरे सास ससुर गंगा नहाने के लिए गए हैं, पता नहीं उनके लिए गंगा नहाने के लिए मिली है नहीं मिली, इसलिए मुझे सपना हुआ है। हाय करूं तो जग जले, बिन जंगल भी जल जाए, मैं पापलेसी जली, बिन जले जला दी जाए, कागा सब तन खाइए, मेरो चुन चुन खाइए मास, और दोने ना मत खाइए, मोहे सास मिलन की आस, सोई मेरे करता जी, दुखिया के फूट गए नर भर में जी भा, विचार करे दादा कर्म करे सो करे न कोई,
सब मेरे माँ के लिखे ये बात है। अरे मैया मर जाऊंगी सुनो जेलन में, मेरे स्वामी मैया के बचा ले हो प्राणे। अरे जांच अपने सपने की कराऊंगी। अरे बहन बांदी, अरे रानी साहब नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। कहिए रानी साहब, कैसे याद किया? तुम्हारे लिए जरूरी काम है। क्या काम है? मेरे तो कहने को मेरी बहना इतनो बताओगी जा करके? क्या कहूँ? मीठो यारे दर्द मेरी बहना बता दे मेरे सैना को। अरे तासे रानी ने परे हो जी तुम तो यादे। ₹10 विजय सिंह, ये गोठना के रहने वाले, ये नरेश के दोस्त, ये ₹101 दे रहे हैं। इनके लिए बार बार धन्यवाद। भैया जुग जुग जीव रे जग दुनिया में, कै भोले नाथ रे भरे भंडार। अरे चलिया चौखटा मलिया पति।
इतनी बात सुनी कोई बाबा दी ने पलना तेरे लगाई रे चल के सीध कोई बाबा दी ने भैया अंबे खास की लगाए लई रे चलो पिया बचा रही है बांदी पड़ती कक्का जाए रही और बांदी परी अरे दगड़ में अरे चुंदरिया बांदी की सर पे अरे बिराजे और आदि केले अरे भोड़ा रत रही है जाए अरे ना बांदी ने तई तेरी रे लगाई अब खास की दवाई पहुंची अब खास में जाए ओए पेरे तारे खड़ो पेरे पे और बांदी पहुंची रे कचेरी के ढंगे ए जाए जाकर के बांदी महाराज की कचेरी पे पहुंच जाती है जहां मंत्री खड़ा था कहने लगी अरे तुम कौन हो पड़ार धूम बाबा कान पे हाथ हटा लो ना गोली का महका पार जा रही है कौन हो तुम कौन हो अरे मैं हूँ बांदी तू तो यहाँ खुली फिर रही है वो बांदी रही हूँ मैं और अरे मैं हूँ दासी का चेतराम की दादी ओए सही सही बता अरे मैं हूँ नौ करायनी अब समझ में आई नौ छोड़ के दसवां मुहे करना आई है तुम्हें करके क्या अपने जीवन खराब करूंगी हाँ सातक बीमारी है हाँ ये पूछो लगे परे लेने में अरे मैं हूँ रानी साहब की बांदी रानी साहब की पैर चप्पे करने वाली उनके बर्तन धोने वाली उनका बिस्तर करने वाली और इत्यादि भीतर करने वाली इधर की बात उधर की बात तो सीधी कुन कह के मैं चुगलुक हो रहा हूँ और तुम कौन हो मैं बांधा हूँ तुम क्या करते हो मैं महाराज के नीचे रहता तो धराई उठाई करता हूँ तुम काहे की धरा उठाई करते हो महाराज कचहरी साझा बंद करे तो सिगरी मेजे कुछ भीतर रखते हो सवेरे को अगर वे आवे तो उनसे पहले हार रखते हो अच्छा तू महाराज तो है ना वो सही मिल ले तुमसे नहीं मिलूंगी महाराज कहाँ है इस समय तो कोई पुर्जा कम दिखाई दे रहा है तो? ना पुर्जा पूरे वैसे सही बताइयो तुम यानी शादी शुदा हो हत्यारी हो हे हत्यारी कैसी किनसे कहते हैं ना ब्याह होता उन तक आके अरे उनसे कुआरी सुता बोलते हैं कुआरी बोलते हैं मैं समझ रहा हत्यारी होते तो मैं तो शादी शुदा हूँ शादी शुदा हाँ कितनी तनख्वाह मिलते तुम्हारे लिए मेरे लिए तनख्वाह मिल जाती है 20,000 रुपए की एक महीना में और क्या कुल 20,000 हाँ उन्हें छोड़ दो मेरे ढोरे रहे मैं तुम्हें 60,000 दूंगा तुम क्या करवाओगे मैं तुम पे कोई गेहूं बाजरा न कटवाऊंगो क्या करवाओगे ना ढोला मिलाऊंगो और ऐसे ही हमारे महाराज घर को आवे कचहरी बंद करके तो कोट उतार के खुटी टांग दे उनको टोपा भीतर को ले जाइयो ये काम मेरा नहीं है ये काम तुम्हारा है तो 60,000 का पेड़ पे उतरना है अरे महाराज कहाँ है इस समय महाराज इस टाइम कचौरी में बंद है ओए कचौड़ी में नहीं कचहरी में होंगे कचहरी में जाओ महाराज से कह दो बांधी आइए बैठो मैं भेज रहा हूँ चलो भैया और सीताराम सीताराम और कैसी रहती है और चलनी के छेद में काटती है महाराज जय शंकर की वो आई है कौन आई है वो ही आई है कौन वो दासी आई है क्या संदेशा लाई है लंबे बैंगन को अचार लाई है ले खाई वो तुमसे मिलन के लिए आई है जाइयो से इज्जत के साथ मेरे पास बुला के लाओ इज्जत के हाँ अरे तो जा बात में तो फिर बैठो बैठिए और ये 20 रुपए का पुरस्कार इसी गांव के रहने वाले मोटे ये 20 रुपया अजय न मालूम दे कायम रहे 20 रुपया दे रहा है भैया ताले बिगाड़े तेल काई बगुलन बसेरे उजर गए बा
चुगलिया करे रे दिनायर रात। आए समदा जल कर डारो निर्मल भैया रे नदिया की अधार। मैंने ज्वाल बाजला रे निवलत छोड़े और बन दासी। क्या बात है, क्या कही महाराज ने? अरे बताओ ना, जा पे लेट क्यों? जा पे लेट। अरे बात क्या है? महाराज ने तेरी इज्जत मंगाई है। बदतमीज इतना पिटेगा जो तेरी औलाद भी गंजी होगी। क्यों इज्जत दे? इज्जत देने की चीज होती है? महाराज ने खुद कहिया का इज्जत लेकर ये इतना मारूंगी जो सही कर दूं। इज्जत देने की चीज नहीं होती, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। और पेड़ बुतते तो इज्जत ना दे। जब कह रही हूँ इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। मैं जा रहा हूँ, तू यहीं मिल, मैं मालूम कर रहा हूँ। दोबारा पहुंच। महाराज बुला ला। बोला का ऐसे ही मैं गो गमछा ले गो और बाकी। हाँ वो बैठी है खड़ी, वहां जाके मैंने गमछा बिछा दो। फिर मैंने कही बांधी जा पे लेट। फिर बोली क्यों? मैं महाराज ने साले तू इज्जत मांगने का हो रहा है। अरे तुमने कहीं नहीं कहते थे, मैंने ये कहा था इज्जत के साथ मेरे पास बुला के लाना। अच्छी ना तो इज्जत के साथ ले वाला बच गया ना चांद को बाहर योग ना रही। तो जा अंदर के लिए भेज दो तुम्हें से भीतर को ले वाला। हां दासी चल भीतर को। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की बांधी। महाराज कैसा न हुआ तुम्हारे लिए रानी साहब ने याद किया है? आज के गर्दी में बैठ नहीं पायो, तब तक संदेशो मेरी रानी ने पठायो। क्या बात है महाराज? हाँ तुम्हारे लिए रानी साहब ने याद किया है। क्यों? अरे चलियो श्री महाराज तुम्हें और रानी बुलवा पैसे और घंटे हो गए चार पेटों में दर्द बतावे। कले से उतार के रख दी। अरे तू के पसली पसली रात भर। रानी साहब ने कह दिया है कि मेरे मीठा मीठा दर्द हो रहा है और महाराज की जल्दी बुला के लेके आना। हाँ। तो सही है। विजय सिंह गोठना के रहने वाले नरेश के दोस्त ये 501 रुपया दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारे लिए हम इलामदा फरमाते हैं। 501 रुपया दे रहे हैं। प्यारी जोड़ी अरे बनी रहेगी भैया बारे बारे अरे पेट की। अरे द्वारे फूली तो रेगी सदा फुलवार। कॉपी मास्टर इधर को आ जाओ और जो पैसे नोट में हम बोले वो पैसे लिखना कॉपी में। मैं सब एक लंग से चढ़ा दो। लिख ले लिख ले। हाँ
महाराज तो तुम्हें तो कौन सा घंटा जट महाराज है जो दासी का बता रही है तुम्हारी घरवारी के मीठे मीठो जब तहर हुए चलो चाट ले दो जरा मेरे साले चाटने का होता है दर्द चलो महाराज बांधी हाँ महाराज मैं सबके मन की बात जानता हूँ कैसी मेरे माँ बाप गंगा स्नान करने के लिए गए थे तो वो 200 से उतार होने के लिए गए थे मेरी रानी ने सोचा होगा करूंगी निर्मल चोला अपने पति को बुलवा के साथ सजवा दूंगी गंगा घाट को डोला उसके लिए जन्म पैदा हो गया बांधी क्या मुझे नहीं लेके गए साथ गंगा नहाने के लिए और वैसे एक बात बताऊं क्या बात है महाराज औरत का फर्ज क्या है वैसे क्या फर्ज है महाराज अरे जिसके मात पिता हो रही जिंदा उसे तीरथ जाना री ना चाहिए और विधवा औरत पान चवे अरे विधवा औरत पान चवे सिंगार बनाना री ना चाहिए चलो महाराज आप बैठी मंत्री महाराज मैं महलों के लिए जाऊंगा क्यों घरवाली की तबीयत खराब है डॉक्टर को बुलाकर आज उसकी तबीयत दिखवाऊंगा तुम्हारी घरवाली की तबीयत ज्यादा खराब है जी डॉक्टर बुलावाओगे दो चार खुराक बनवाओगे इंजेक्शन ठुकवाओगे महाराज वैसे मैं उद्देशी हकीम भगत जी हूँ कैसे भगत जी मैंने कंपोजरी करी है बहुत कंप्यूटर हाँ कंप्यूटर ही महाराज धरी भाई बात बता देंगे कैसी अगर तुम्हारो मरीज है तेलंग बरेली तो जहाँ बता देंगे तुम्हारे मरीजों का तकलीफ है वो तुम्हारो मरीज है अलीगढ़ तो मैं जहाँ पूछ लो का बीमारी है अच्छा वो तो ऐसी वाले भाई तुम्हारी घरवारी को रसगुल्लों की बीमारी है साले राजन में रसगुल्ला जलेबी की बात ना होते आप यहीं बैठिए मैं अपने आप स्वयं जाऊंगा कचहरी की देखभाल करना अरे देर ना नल सिंह ने रेकीनी अरे बंद कचहरी करी रास्ता महलन को लीनी नार
मूरा डारो चौक में मेरे बैठो बलम भरे। और ये 100 रुपये का पुरस्कार नरेश पाल नंदरोली के हलवाने के 100 रुपया दे रहे हैं मेरे वास्ते दूध पीने के लिए। देखो झटका निरालो ये सिर रही सन को, सिर की बड़े बड़े लागते हैं छाप, मैं क्या तारीफ भरे करूं दादा की, सुबह बरन रे कई अन्ना जाए। आए हो तो बैठियो पियो ठंडो पीवो नीर, ता पूछे पीछियो मेरे कहां होते हैं। महाराज रानी करती है प्रणाम आपको। बहुत अच्छा प्यारी बात है यार। क्या बात है? मेरे माँ बाप गंगा स्नान करने के लिए गए थे। हाँ तो वो 200 से उद्धार होने के लिए गए, लेकिन तुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पड़ोसिन को बुलाओ, भजन तो पर नाके गाओ, जो कोई आवे ऋषि महात्मा या साधु संत भिखारी उसके लिए प्यारी दान लुटाओ, सुवरन गऊओं के सोने में सींग मढ़ाओ, अनबली कैसे उसका जंदी तेज सारथ बताऊंगी महाराज। तेरो गोरो सो बदन मेरी दुल्हने कैसे जो को मिलाएगो, और कैसे है रोए चेहरा तेरो मलिन। चल के बलम कम पेल से अरे जी बावन जाल